हाय फ्रेंड आडिसर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम वर्गीकी के बारे में पढ़ेंगे यानी टैक्सोनॉमी के बारे में। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों की वर्गीकरण की मूल इकाई है। तो वर्गीकरण की मूल इकाई इसमें से कौन सी है, जाति है। कौन सी है, जाति। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या था, जात था। उसके बाद जात से क्या बना, वंश बना। जात से क्या बना, वंश बना। ठीक है, जात से क्या बना, वंश बना। वंश से कुल, वंश से क्या बना, कुल बना। और कुल से क्या बना, गढ़ बना। इसको सीरीज ध्यान रखिएगा, कुल से क्या बना, गढ़ बना। और गढ़ से क्या बना, वर्ग बना। क्या बना, वर्ग बना। वर्ग से क्या बना, संघ बना। ठीक है, वर्ग से क्या बना, संघ। और संघ से क्या बना, जगत बना। ठीक है, इसको तो आप जरूर ध्यान, क्रम जरूर पूछता है कि सबसे पहले क्या थी, जात, जाति से वंश, वंश से कुल, कुल से गढ़, गढ़ से वर्ग, और वर्ग से संघ, संघ से जगत। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, मूल इकाई क्या थी, जाति। अगला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई, तो मूल इकाई क्या थी, जाति थी। मूल इकाई क्या थी, जाति थी। अगला क्वेश्चन है कि सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई, तो मूल इकाई क्या थी, जाति थी। क्या थी, जाति थी। अगला क्वेश्चन है कि जीवों के वर्गीकरण का कौन सा स्तर यानी कुल, फैमिली और जाति के बीच में आता है। इसमें पूछ रहा है कुल और जाति के बीच में आता है। तो देखिए आपको बताए हैं कि क्या आती है, सबसे पहले जाति आती है, फिर उसके बाद क्या आता है, वंश आता है। जाति के बाद वंश आता है, ठीक है, वंश के बाद कुल आता है। क्या आता है, कुल आता है। ठीक है, तो यही पूछा है कि कुल और जाति के बीच, तो देखिए कुल और जाति के बीच, कुल और जाति के बीच क्या आता है, वंश आता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्रम पूछ लिया है कि कौन, कि निम्नलिखित में से लीनियस पदानुक्रम में अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। एक चीज़ यहीं आपको और बता देते हैं कि जो वर्गीकरण किया गया है, ठीक है, जो ये वर्गीकरण किया गया, इसको किसने किया था, इनका नाम था कार्ल लीनियस। इनका नाम क्या था, कार्ल लीनियस। इसलिए अगर पूछा जाए कि वर्गीकरण, ठीक है, वर्गीकरण जो किया गया जिसके जनक कौन माने जाते हैं, तो कार्ल लीनियस को माना जाता है। ठीक है, वर्गीकरण के फादर किसको माना जाता है, कार्ल लीनियस को माना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें पूछा है कि अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में, तो देखिए सबसे घटते हुए क्रम में तो क्या हो जाएगा, लास्ट में क्या आएगा भाई, देखिए पहले शुरू क्या थी, जाति, ये सबसे छोटी थी। ठीक है, ये जाति क्या थी, सबसे छोटी, यानी लास्ट में क्या आएगा, जाति आएगा, क्योंकि जाति से शुरू हुई थी। और लास्ट में आपको बताया है ऊपर क्या आता है, सबसे बाद में क्या बना था, जगत। ठीक है, तो जगत और जाति के बीच में देखिए क्या, कहाँ पर, देखिए यहाँ पर गढ़ है, यहाँ पर जगत है, नहीं होगा जगत और यहाँ संघ है, नहीं होगा जगत और जाति। यहीं देखिए आप कम समय में ऐसे ढूंढ सकते हैं कि जाति से शुरू होगी और जगत पे ख़त्म होगी, तो जाति से शुरू होगी, जगत पे ख़त्म हो जाएगी, यहीं आपको क्रम ध्यान रखना। देखिए यहीं बताएं, जाति से वंश, वंश से कुल, कुल से गढ़, फिर वर्ग, फिर संघ, फिर जगत। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा, सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन सा है। अच्छा देखिए इसमें आपको बताना क्रम कौन सा है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लास्ट में जाति आ रहा है, जाति से वंश, वंश से क्या होता है, जाति से वंश, वंश से कुल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट में जो बताएं कि लास्ट में क्या आना चाहिए, जगत। ठीक है, क्या आना चाहिए, जगत आना चाहिए, तो इसमें जगत नहीं दिया, एक छोड़ दिया है, तो जगत छोड़ दिया तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए आप बताएं कि जाति के बाद क्या आता है, वंश आता है। तो देखिए ये तो पहले एक ऑप्शन कट जाएगा, जाति के बाद क्या आएगा, वंश, और वंश के बाद क्या आता है, कुल आता है। तो जाति, वंश, कुल, देखिए इसमें गढ़ है, इसमें वर्ग है, नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, उसका सी वाला सही होगा, यानी जात, देखिए प्रजाति या जाति की बात, वंश, कुल, गढ़, वर्ग, संघ, इसके बाद क्या आता है, जगत। वो नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पांच जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार होता है। तो देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन आपको याद रखना है कि पांच जगत जो वर्गीकरण है, ठीक है, प्रणाली है, वो वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या था, पोषण था। क्या था, पोषण था। क्या था, पोषण। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि पांच जगत जो वर्गीकरण किया है, तो किसने किया था, जैसे अभी इसके पहले पढ़े थे, वर्गीकरण के पिता जो थे किसको बोला जाता है, कार्ल लीनियस को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, कार्ल लीनियस को बोला जाता है। लेकिन अगर पांच जगत कह देगा तो इसके जनक कौन माने जाते हैं, आर एच व्हिटकेयर बोला जाता है इनको, आर एच व्हिटकेयर। ठीक है, आर एच
ये आपका इनका नाम था हुइटकेयर, ठीक है, हुइटकेयर, ठीक है, क्या नाम था, हुइटकेयर, R.H. हुइटकेयर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा, पांच जगत प्रणाली के जनक कौन है, R.H. हुइटकेयर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रमों में किस समूह में अधिकतम समान लक्षण वाले जीवों की संख्या सर्वाधिक है, तो किसमें है ये आपको बताना। तो देखिए जो जगत है लास्ट वाला था, ठीक है, जगत जिसको किंगडम बोले जाते हैं, इसमें जीवों की संख्या क्या है, सर्वाधिक है। जीवों की संख्या किस में सर्वाधिक है, जगत यानी किंगडम में है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ से आपका शुरू हो जाएगा मुनेरा जगत, ठीक है। तो हुइटकेयर के वर्गीकरण के अनुसार, ठीक है, हुइटकेयर के वर्गीकरण के अनुसार, तो हुइटकेयर अभी बताए हैं, ठीक है, हुइटकेयर जो थे इसने क्या किया था, पांच जगत में वर्गीकरण किया था, कितने जगत में, सॉरी पांच में वर्गीकृत किया था, किस में किया था, ये पांच में किया था, ठीक है, किस में किया था, पांच में किया था, ये जरूर ध्यान रखना। पांच जगत कौन कौन थे अभी आपको बता दे रहे हैं, पहले यहाँ से समझ लीजिएगा। हुइटकेयर के वर्गीकरण के अनुसार समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभि नहीं पाया जाता, तो किसमें नहीं पाया जाता, मुनेरा में, ठीक, किसमें नहीं पाया जाता है, मुनेरा में नहीं पाया जाता, किसमें नहीं पाया जाता है, मुनेरा में नहीं पाया जाता। अच्छा देखिए पांच जगत कौन कौन थे, तो एक तो आपका ही हो गया मुनेरा हो गया, ठीक है, क्या हो गया, मुनेरा हो गया, ठीक है, क्या हो गया, मुनेरा हो गया। उसके बाद इसने की थी फंजाई, ठीक है, प्रोटिष्ठा फंजाई, देखिए प्रोटिष्ठा हो गया, उसके बाद फंजाई, ठीक है, फंजाई जिसको कवक भी कह सकते हैं, प्रोटिष्ठा फंजाई, उसके बाद प्लांटी भी हो जाएगा, ठीक है, प्लांटी। देखिए पांच जगत थे, यही चार देखिए यहाँ पे लिखा ही है, एक आपको ध्यान रखना है, एक और है एनीमेलिया जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एनीमेलिया, एनीमेलिया। तो पांच जगत यही भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है इसमें से कौन सा नहीं था हुइटकेयर के अनुसार, तो क्या आ जाएगा, मुनेरा, प्लांटी, प्रोटिष्ठा, एनीमेलिया या फंजाई या कवक बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जीव जगत का पांच वर्गों में वर्गीकरण यानी फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने किया था, तो भी बताए हैं कि पांच जगत का वर्गीकरण किसने किया था, हुइटकेयर ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि हुइटकेयर द्वारा प्रतिपादित फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन निम्न से कौन सा समूह शामिल नहीं है। अच्छा देखिए इसी में आ गया ना, शामिल नहीं है, तभी पढ़े प्रोटिष्ठा भी था, एनीमेलिया भी, तो फंजाई भी था, लेकिन क्या नहीं था, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ उसमें नहीं पढ़े हैं, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक बैक्टीरिया अत्यधिक गर्मी, शुष्कता और विषैली रासायनिक वस्तुओं को सहने की क्षमता रखता है, कौन, एक बैक्टीरिया, इससे पता चलता है कि वह संभवतः बना हो, तो बैक्टीरिया किससे बना होता है, एंडोस्पोर से बना होता है, किससे बना होता है, एंडोस्पोर से बना हुआ होता है, किससे बना हुआ होता है, एंडोस्पोर से बना हुआ होता है, ठीक है। एंडोस्पोर्स क्या होता है, एक गैर प्रजनन कठोर, ठीक है, जो एंडोस्पोर्स होता है ये क्या होता है, एक गैर प्रजनन कठोर संरचना होता है इसकी, ठीक है, जो बैक्टीरिया से निर्मित होता है, और इसमें इसका कार्य क्या होता है, जीवाणु को प्रतिकूल परिस्थितियों में बचाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र, तप्त कंदराओं और अंटार्कटिका की बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु अति जटिल निवास स्थान में भी निवास कर सकती है, तो कौन कर सकती है, यही अभी बताए ना, जीवाणु, जो बैक्टीरिया होता है इसकी जो संरचना होती है क्या होती है, बताए ना कि गैर प्रजनन कठोर संरचना वाली होती है, ये कर सकती है, तो कौन सा हो जाएगा इसका, जीवाणु हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ठीक है, भाई जीवाणु को ही बैक्टीरिया कहा जाता है, तो कौन सा हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, आपको बताना इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, जो राइजोबियम होता है, जो राइजोबियम होता है क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है। अच्छा ये कहाँ पाया जाता है, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम होता है कहाँ पाया जाता है, दलहनी फसलों में, कहाँ पाया जाता है, दलहनी फसलों में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, दलहनी फसलों में, दलहनी फसल मतलब जैसे हो गया आपका चना हो गया, मसूर हो गया, उड़द हो गया, अरहर हो गया, मटर हो गया, ठीक है, ये सब इसमें पाए जाते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम। अगला क्वेश्चन है कि दूध को दही से बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो दूध से दही बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है, अच्छा दूध से दही बनाने के लिए किस अम्ल का जरूरत पड़ती है, लैक्टिक अम्ल,
दूध से दही जब बनता है तो उसमें कौन अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। कौन सा प्रोटीन होता है, केसिन होता है। अगर इसके पहले वाले वीडियो देखे होंगे तो ये सब क्वेश्चन पढ़ाया गया है। तो इसमें कौन से बैक्टीरिया होता है, तो लैक्टिक अम्ल से ही बना है, लैक्टोबैसिल्स। क्या बना है, लैक्टोबैसिल्स बना है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसके पहले हमने बायोलॉजी के 7 वीडियो बना दिए हैं और फिजिक्स का आधा कंप्लीट हो गया है और केमिस्ट्री का भी आधा कंप्लीट हो गया। यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो का टारगेट रखा गया है कि 100 लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समूह में बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका तंत्र, केंद्रिका पटल रहित वाले एक कोशिकीय जीव समिष्ट हैं, ठीक है, समाविष्ट हैं। कौन सा हो जाएगा, मोनेरा, ठीक है। मोनेरा क्या होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका तंत्र होते हैं, यानी केंद्रीय पटल इसमें क्या होता है, रहित होता है। एक कोशिकीय जीव समाविष्ट है इसमें, किसमें, मोनेरा में। मोनेरा में केंद्रक नहीं होता, ध्यान रखिएगा, जो मोनेरा होता है इसमें केंद्रक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था, तो जब पृथ्वी पर जीवन यापन हुआ था, इसके पहले वीडियो में बताए थे, तब उसमें ऑक्सीजन नहीं था। ये भी तो क्वेश्चन पढ़ ही चुके हैं, इसके पहले वाले जैव विकास वाले पढ़े थे, जब पृथ्वी पर जीवन संपन्न हुआ तो उस समय कौन सा गैस नहीं था, उस समय ऑक्सीजन नहीं था। तो इसमें पूछा है कि पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था, कौन सा ऐसा जीव था जो ऑक्सीजन उत्पन्न किया था, उसका नाम था साइनोबैक्टीरिया। उसका क्या नाम था, साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया ऐसा जीव था जिसने पृथ्वी पर सबसे पहले क्या उत्पन्न किया था, ऑक्सीजन उत्पन्न किया था। अगला क्वेश्चन है कि बैसिली ऐसे जीवाणु है जो होते हैं, तो जो बैसिली होती हैं कैसे जीवाणु होते हैं, ये छड़नुमा होते हैं। दोस्तों वीडियो का टारगेट 100 लाइक रखा गया है तो 100 लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करना फ्री कॉस्ट होता है, तो जो फ्री कॉस्ट है उसको जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों देखिए 500 वीडियो व्यू जा रहा है लेकिन 30-35 ही लाइक चल रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग ऐसा मत कीजिए, लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो यदि किसी जीवाणु में एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो उसे क्या कहा जाता है। अब देखिए एक कह दिया है तो जहाँ पर केवल एक आ जाए, एक मतलब क्या होता है, मोनोट्राइकस होता है, ठीक है, मोनो शब्द का ही प्रयोग एक के लिए किया जाता है, ठीक है। तो एक सिरे पर फ्लैजेला होता है उसे क्या बोला जाता है, मोनोट्राइकस बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एसेरिकिया कोलाई में पाया जाता है, तो एसेरिकिया कोलाई में पाया जाता है किसे, ये मनुष्य की आत्म में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, मनुष्य की आत्म में पाया जाता है, एसेरिकिया कोलाई मनुष्य की आत्म में पाया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है, आपको बताना है कि इसमें से मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है, तो मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है डायटम, ठीक है, डायटम नहीं संबंधित, बाकी बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया माइकोप्लाज्म संबंधित है। तो कौन सा होगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक कोशिकीय जीव है, आपको बताना है इसमें से एक कोशिकीय जीव है, तो इसमें से कौन सा एक कोशिकीय जीव है जो पैरामीशियम होता है, ठीक है, जो पैरामीशियम होता है क्या है, एक कोशिकीय जीव होता है, ठीक है। इस पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, ठीक है, पैरामीशियम के साथ अमीबा ध्यान रखिएगा, पैरामीशियम, अमीबा, युगलीना, ठीक है, युगलीना और इष्ट, इसको ध्यान रखिएगा, ये सब क्या होते हैं, एक कोशिकीय, पैरामीशियम, अमीबा, युगलीना और इष्ट, ये सब क्या होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं। क्वेश्चन है यह एक निश्चित आकृति का एक कोशिकीय जीव है जिसमें भोजन ग्रहण करने के लिए एक विशेष स्थान होता है और अपने भोजन को उस स्थान तक ले जाने के लिए रोम जैसी संरचना जिन्हें पश्माभिका, ठीक है, कहा जाता है, का प्रयोग करता है, इस जीव का नाम बताइए। तो इस जीव का नाम क्या होता है, पैरामीशियम होता है। देखिए इसमें कह रहे एक कोशिकीय जीव है, तो एक कोशिकीय जीव, तो इसमें देखिए युगलीना भी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है जिसमें भोजन ग्रहण करने के लिए एक विशिष्ट स्थान होता है और अपने भोजन को उस स्थान तक ले जाने के लिए रोम जैसी संरचना जिन्हें पश्माभिका यानी कीलिया कहा जाता है, किसमें होता है, पैरामीशियम में होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अमीबा में
भोजन का ग्रहण द्वारा होता, तो जो अमीबा होता है उसमें भोजन का ग्रहण कहाँ पे होता है, शरीर की पूरी त्वचा द्वारा होता है। अमीबा में क्या होता है कि जो भोजन का ग्रहण होता है शरीर की पूरी त्वचा से क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं, क्या करते हैं, भोजन को पूरी तरह से ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कोशिकांग अमीबा जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है, तो कौन सा कोशिकांग है अमीबा जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायित्व होता है, तो कौन होता है, संकुचनशील रसधानी, इसको क्या बोला जाता है, संकुचनशील रसधानी, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अमीबा जैसे जीवों के मामले में होने वाला अलैंगिक प्रजनन जिसमें एक जीव के विभाजित होने पर दो जीव उत्पन्न होते हैं क्या कहलाता है। अच्छा देखिए, कह रहा है अलैंगिक प्रजनन, ठीक है, जिसमें एक जीव के विभाजित होने पर दो जीव उत्पन्न होते हैं, ठीक है, दो जीव उत्पन्न होते हैं वो क्या कहलाता है। देखिए दो कह दिया है, ठीक है, जब दो कह दिया है तो दो मतलब क्या होता है, बाइनरी, वैसे भी ध्यान रखिएगा ऐसे दो का ही मतलब होता है बाइनरी, बाइनरी मतलब दो होता है, तो उसको बाइनरी विखंडन बोला जाता है, याद करने की ट्रिक बता रहे हैं, जहाँ दो मतलब ही बाइनरी होता है, ठीक है, तो बाइनरी नंबर होता है ना जीरो और एक, तो दो जहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, दो जीव उत्पन्न होते उसे क्या बोला जाता है, बाइनरी विखंडन बोला जाता है, क्या बोला जाता है, बाइनरी विखंडन बोला जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि अमीबा में प्रजनन कैसे होता है, जो अमीबा होता है इसमें प्रजनन कैसे होता है, तो अभी जो पढ़े हैं द्विखंडन, ठीक है, उसी में होता है अमीबा में, ठीक है, अमीबा में प्रजनन कैसा होता है, द्विखंडन द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि द्विखंडन द्वारा प्रजनन होता है, तो द्विखंडन द्वारा किस में होता, अभी पढ़ें ऊपर कि अमीबा में, अमीबा में कैसा होता है, द्विखंडन द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है, तो अमीबा में किस प्रकार का होता है, बाइनरी विखंडन होता है, कैसा होता है, बाइनरी विखंडन होता है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्यूडोपोडिया पर मौजूद उंगली जैसी आकृति वाली संरचना है, तो उंगली जैसी संरचना किस में होती है, ये आपके अमीबा में होती है, किस में होती है, अमीबा में होती है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। स्यूडोपोडिया जिसको हिंदी में कभी कभी आप पढ़ेंगे, इसको लिखा रहता है कूटपाद, क्या बोला जाता है स्यूडोपोडिया को, ये भी लिखा रहेगा कूटपाद, कूटपाद, ठीक है, कूटपाद अमीबा पर, ठीक है, अमीबा पर मौजूद उंगली जैसी आकृति वाली संरचना है, तो कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा, अमीबा सही हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, अमीबा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्लेमाइडोमोनास इनमें से किस किंगडम वर्ग से संबंधित है, तो किससे संबंधित है, किंगडम प्रोटिस्टा से संबंधित है, किससे संबंधित है, किंगडम प्रोटिस्टा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि बहुविखंडन के द्वारा एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है, आपको बताना है कि बहुविखंडन द्वारा एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है, कौन, प्लाज्मोडियम, क्या होता है, प्लाज्मोडियम होता है, कौन होता है, प्लाज्मोडियम होता है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा, कौन सा होगा, डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए वही क्वेश्चन फिर आ गया, बहुविखंडन द्वारा प्रजनन होता है, ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चन होते हैं एक बार पढ़ लेंगे वही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो बहुविखंडन किस में होता है, प्लाज्मोडियम में होता है, किस में होता है, प्लाज्मोडियम में होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, तो एक कोशिकीय जीव का उदाहरण कौन सा है, तो अभी पढ़ ही चुके हैं, इसके पहले बताए थे अमीबा हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ये सब क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कोशिका के दो समान संतति कोशिकाओं विभाजन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, कह रहा है एक कोशिका के दो समान, अब दो कह दिया, दो मतलब बाइनरी या द्विखंडन, तो इसमें कौन हो जाएगा, द्विखंडन हो जाएगा, दो संतति मतलब द्विखंडन हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आप उस जीव को किस जगत में रखेंगे जो एक कोशिकीय यूकेरियोटिक या सुकेंद्री और प्रकाश संश्लेषक होता है, तो ऐसा कौन होता है कि जो प्रकाश संश्लेषक भी होता है उसको प्रोटिस्टा बोला जाता है, ठीक है, प्रोटिस्टा बोला जाता है, एक कोशिकीय भी होता है, यूकेरियोटिक भी होता है, अश्वकेंद्रीय यानी इसमें केंद्रक पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषक भी होता है, इसको क्या बोला जाता है, प्रोटिस्टा बोला जाता है, क्या बोला जाता है, प्रोटिस्टा बोला जाता है।
अगला क्वेश्चन है द्विपद नाम पद्धति को किसने प्रस्तुत किया था। तो किसने किया था कार्लोस लिनियस ने। इन्हीं को वर्गीकरण के पिता कहे जाते हैं। इन्हीं को क्या कहा जाता है? वर्गीकरण के पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जियो के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति को किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो जियो के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई थी? कार्लोस लिनियस द्वारा। देखिए, जियो के वैज्ञानिक नामकरण की जो पद्धति थी वो भी कार्लोस लिनियस के द्वारा शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस जीव जगत की सभी प्रजातियों की द्विपद नाम पद्धति का जनक माना जाता है। तो किसको माना जाता है? कार्लोस लिनियस को माना जाता है। किसको माना जाता है? कार्लोस लिनियस। जहाँ पर द्विपद नाम पद्धति होगा वहाँ पर कार्लोस लिनियस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कार्ल लिनियस, देखिए कार्ल या कार्ल दोनों बात है, कार्ल लिनियस किस रूप में जाना जाता है? तो अभी वर्गीकरण के पिता इन्हीं को कहा जाता है, यानी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। वर्गीकरण को पिता क्या होता है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है? तो कार्ल लिनियस को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? कार्ल लिनियस को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कार्लोस लिनियस को किसका जनक माना जाता है? तो वर्गीकरण विज्ञान, ध्यान दीजिएगा, किसको माना जाता है? वर्गीकरण विज्ञान का पिता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है? तो लिनियस को कहा जाता है। देखिए, एक ही क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है अलग अलग एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, जीव के वैज्ञानिक नामकरण की उस प्रणाली जिसका हम आज उपयोग करते हैं कि खोज इनमें से किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी। तो जीव के नामकरण का जो पद्धति है किसने खोजा था जिसका आज हम लोग उपयोग करते हैं? कार्लोस लिनियस नाम था। अगला क्वेश्चन है, और देखिए अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि सिस्टमा नेचुरी किसके द्वारा लिखी गई थी। तो सिस्टमा नेचुरी किसके द्वारा लिखी गई थी? कार्लोस लिनियस द्वारा। सिस्टमा नेचुरी किसके द्वारा लिखी गई थी? आपकी सिस्टमा नेचुरी किसके द्वारा लिखी गई थी? कार्लोस लिनियस द्वारा। तो यहाँ से वर्गीकरण खत्म हो गया। कल की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जंतु जगत। क्या पढ़ेंगे? जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।